हेलो फूडीज, वेलकम टू अमेच्योर जंक्शन। आज हम बनाएंगे बहुत ही दानेदार और हलवाई जैसे बेसन के लड्डू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप चना दाल ली है और हमें इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस चना दाल से हम घर पर ही दरदरा पीसा हुआ मोटा वाला बेसन बनाएंगे। इस तरह का बेसन मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है और इसे लड्डू का बेसन कहा जाता है। आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप इस तरह से घर पे ही फ्रेश वाला बेसन बना के उससे लड्डू बनाएंगे तो लड्डू का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस लड्डू को बनाने के लिए आप नॉर्मल वाला बेसन भी कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। चना दाल को सेकते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे ठंडा करके मिक्सर में दरदरा ग्राइंड कर लूंगी और उसके बाद एक मोटे छन्नी से छान लूंगी। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 1/4 कप देसी घी लिया है। वजन में ये 60 ग्राम्स है। घी मेल्ट हो जाने के बाद अब मैं इसमें 300 ग्राम बेसन डाल दूंगी। ये वही वाला बेसन है जो हमने चना दाल से बनाया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही दरदरा है। हमें दानेदार लड्डू बनाने के लिए ऐसा ही टेक्सचर वाला बेसन चाहिए। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है और हमें आखिरी तक उसे लो ही रखना है। अब हम इस बेसन को घी में अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद उसे भूनना चालू करेंगे। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट के लिए भून लेना है, जब तक कि इसमें से घी निकलने ना लगे तब तक। शुरुआत में मैंने इसमें 1/4 कप, जो कि वजन में 60 ग्राम्स होगा, उतना घी डाला था। हमें इसमें 1/4 कप घी मतलब कि 60 ग्राम और डालना है, पर हम सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ अगर सारा घी डाल देंगे तो इसमें घी ज्यादा हो सकता है और हमारे लड्डू बिगड़ जाएंगे, इसलिए घी हमेशा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही डाले। आप इन लड्डुओं को ऐसे ही दानेदार रेगुलर बारीक वाले बेसन से भी बना सकते हैं, जो हमारे घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। बारीक वाला बेसन यूज करने के लिए आप 2 कटोरी बेसन इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके घी में 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें और 7 से 8 मिनट के बाद उसमें 1/2 कटोरी बारीक वाली सूजी डाल दें। लड्डू बनाने की बाकी सारी प्रोसेस सेम ही रहेगी। सूजी को थोड़ा लेट डालने का कारण ये है कि अगर आप उसको शुरुआत में ही बेसन के साथ डाल देंगे तो सूजी सारा घी अब्सॉर्ब कर लेगी और बेसन सूखा रह जाएगा। बेसन को सेकते हुए मुझे यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि बेसन घी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हल्का गीला दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने इसमें 60 ग्राम घी और डाल दिया है, मतलब हमने यहाँ पर टोटल 120 ग्राम घी यूज किया है। बेसन को भूनते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसन ने घी छोड़ना चालू कर दिया है और कंसिस्टेंसी में काफी पतला हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। आप आपके पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसे जरूर डालें, क्योंकि लड्डू खाते समय जब ड्राई फ्रूट का बीच में क्रंच आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच रूम टेम्परेचर का पानी लेकर इसमें इस तरह से छिड़क दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होने लगा है और इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा दानेदार हो गया है। हलवाई जैसे दानेदार लड्डू बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे और इस तरह से एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें घी के वजह से बहुत ही बढ़िया सी शाइन आ गई है। अब हमें इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। बेसन अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दूंगी। अब हम इसमें 300 ग्राम चीनी का भूरा डाल देंगे। जितना हमने बेसन लिया है उतनी ही हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। अब आखिरी में हम इसके इस तरह से लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाते समय अगर आपको ये बहुत ज्यादा सूखा लगे तो इसमें थोड़ा सा घी और मिला ले और उसके बाद इसके लड्डू बनाएं। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें घी बहुत ज्यादा हो गया है तो पहले थोड़ा सा बेसन ले और उसे बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर ले और उसके बाद उसे इसमें मिला दे। लड्डू के गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर उस पे इस तरह से एक पिस्ता लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बादाम या फिर काजू भी लगा सकते हैं या फिर कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। अब आप इसी तरह से सारे लड्डू बना ले। अब हमारे सारे लड्डू बनके तैयार है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने आसानी से टूट रहे हैं और इसका टेक्सचर अंदर से बहुत ही ज्यादा दानेदार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। आपके फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।